अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है माश की दाल। तो माश की दाल जो है वो दो किस्म से तरह से बनाई जाती है, एक तो बुनी हुई माश की दाल और एक ढाबा स्टाइल माश की दाल। आज मैं आपको ढाबा स्टाइल माश की दाल बनाने का तरीका बताती हूँ। तो और दालें भी, हाँ मैं आपको एक बात बताती चाहूँ कि दालें भी दो किस्म की होती हैं। माश की दाल एक होती है जो धुली हुई होती है, जिसको भिगो कर जिसके ऊपर से छिलके उतारे गए हैं, और एक होती है जिसको मशीन से जिसके मशीन इस्तेमाल करते हुए इसको उसके छिलके उतारे गए हैं। जो दाल भिगो कर छिलके उतारे जाते हैं उसको पकाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, उसको आमतौर पर हम लोग कुकर में पकाते हैं, और जो धुली जो मशीन से छिलके जिसके उतारे गए होते हैं वो जल्दी पक जाती है। तो मैं वो जो दाल इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये वाली है जिसके छिलके मशीन से उतारे गए हैं, यानी इसको भिगो कर नहीं पका, छिलके उतारे गए। तो आइए फिर मैं इसको आपको पकाने का तरीका बताती हूँ, और आज मैं आपको जो ढाबा स्टाइल में बता रही हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपको किसी रोज़ जो घर में माश की दाल भून के पकाई जाती है उसका भी तरीका बताऊँगी। इसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो इसमें जाएगी ये माश की दाल है जो मैंने 250 ग्राम ली है, और ये एक अदद छोटा सा प्याज, दो हरी मिर्चें, ये टमाटर, ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये दो छोटे चम्मच, ये इसमें ज़्यादा जाएगा, ये नमक, और ये है ज़ीरा, हल्दी, सुर्ख मिर्च, ये भी मैंने एक छोटा चम्मच लिया। तो सबसे पहले मैं ये जो दाल है इसको एक चूल्हे पे उबलने के लिए रख दूंगी, दूसरी तरफ मैं मसाला तैयार करूंगी। तो चलिए फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल लिया और चूल्हा ऑन कर लिया। अब सबसे पहले मैं इसमें प्याज डालूंगी, ये छोटे साइज का प्याज, इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और ये साथ ही दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। पानी उबालने के जब ये उबलने लगेगा तो फिर मैं इसमें माश की दाल डाल दूँगी। ये देखिए माश की दाल के लिए मसाला तैयार है पूरा, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगा। अब ये भी तकरीबन ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी थोड़ा रेड हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, ये मैं थोड़ी इसमें हरी मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने एक अदद हरी मिर्च इस्तेमाल की है क्योंकि ये दाल सिर्फ 250 ग्राम है, इसलिए हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। अब उसको मैं थोड़ी देर के लिए ढाँक के रख दूंगी। ये देखिए अब आपको मैं रायता तैयार करने का तरीका बताने लगी हूँ जो इस दाल के साथ स्पेशली खाया जाएगा, और आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा वाकई इस रायते का इसके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसके लिए ये मैंने दही लिया, और इसमें मैंने ये इस्तेमाल करूँगी टमाटर और साथ हरी मिर्च, ये मैंने बारीक काट ली है आप देख सकते हैं, और फिर इसमें साथ ही जाएगा ये प्याज, और इसमें थोड़ा सा नमक मैं इस्तेमाल करूँगी, देखिएगा ज़रूरत के मुताबिक, और इस रायते में सुर्ख मिर्च वगैरह कुछ नहीं इस्तेमाल होगा, इसमें सिर्फ काली मिर्च इस्तेमाल होगी। आप इस रायते को आप मिक्स करके इस दाल के साथ खाइएगा। अभी मैं आपको इसको बाद में दिखाती हूँ। और देखिए आपको मसाला तैयार हो रहा है, तकरीबन मसाला तैयार हो चुका है, देखिए मसाला तैयार हो चुका है, लेकिन अभी दाल नहीं है गली, तो ये दाल अभी थोड़ी सी कच्ची है, इसलिए अभी मैं थोड़ी देर इंतज़ार करूँगी, और ये मसाले वाला चूल्हा जो बिल्कुल आहिस्ता कर दूँगी। ये देखें मसाला बिल्कुल तैयार है, और अब मैं ये माश की दाल मैंने छान ली है, छान के अब मैंने इसको निकाल लिया, और आपको मैं दिखा दूँ कि ये कितनी गली होनी चाहिए। ये देखें
इस तरह ये बिल्कुल टूट रही है। अब मैं इसको उसमें डाल के मसाले में बिल्कुल इस स्टेज में इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसको हल्के चूल्हे पे दम दे दूँगी 10 मिनट के लिए, और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको बिल्कुल हल्के चूल्हे पे मैं इसको दम देने लगी हूँ। 10 मिनट के बाद इसको मैं खोलूँगी, फिर देखिए बिल्कुल तैयार हो चुकी होगी। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल दाल तैयार हो गई है। अब मैं इस दाल को डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी है। ये देखिए इस स्टेज पे मैंने इसको बॉल में डाल ली। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि होटल वाले जो होते हैं वो यहाँ पे ना चिकन का जो सालन, गोश्त का किसी किस्म का भी सालन जो होता है उसकी ग्रेवी जो होती है ना वो उस दाल के ऊपर प्लेट में डाल के ऊपर वो ग्रेवी डाल देते हैं, जिससे ये बड़ी देखने में बड़ी मज़े की लगती है, खाने में बड़ी मज़े की लगती है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डालूँगी। ये देखिए अब इसकी फाइनल लुक, रायते के साथ ये दाल आप खाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।